अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ उसामा तारिक एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल सामी। तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल टेक्निकल सामी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके पास पहुँच जाए। वीडियो है मैथ के बारे में। अगर आप मैथ के स्टूडेंट या फिर टीचर हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मैथ का कोई भी सवाल चंद सेकंड में ऑनलाइन, वो भी बगैर किसी ऐप के, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब वीडियो को बकायदा स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। इस वीडियो में आपको सबसे मुश्किल सवाल आपको बगैर किसी ऐप से हल करके बताऊँगा। तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम पर टाइप करना है वॉल फ्रेम अल्फ़ा। तो देखें, हम वॉल फ्रेम अल्फ़ा, ये जो मैं सबसे ऊपर टाइप किया हुआ है वॉल फ्रेम अल्फ़ा डॉट कॉम मैथ, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा कुछ इस तरह के आपको शो हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक कर लिया तो ये लोडिंग हो रही है। ये देखिएगा, ये ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्वर ओपन हो चुका है। तो ये सबसे पहले फीडबैक मांगेगा, आपने फीडबैक इसको नहीं दें। तो देखिए, आप इसमें कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी प्रॉब्लम इसमें पुट कर सकते हैं, चाहे वो साइन थीटा वाले सवाल है या कॉस थीटा वाले, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस के सवाल है या फिर अलजेब्रा के सवाल है। तो सबसे पहले आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल करके दिखाता हूँ। ये देखें, कॉस, मैं चले पाई लिख लेता हूँ, पाई कॉस पाई ओवर 8 में लिख देता हूँ। ये देखिए, मैंने कॉस पाई ओवर 8 लिख दिया, तो इसको सॉल्व पे आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए, कंप्यूटिंग हो रहा है। ये देखिए, वो इनपुट कह रहा है कॉस पाई ओवर 8, ये डेसिमल में उसकी वैल्यू बता दिया उसने, फिर वो फार्मूला के हिसाब से बता दिया। ये देखिए अल्टरनेट फॉर्म, ये इसकी तमाम फॉर्म्स में आपको बता देगा, आपको जो भी चाहिए हो आप उस पर क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये बहुत ही मुफीद वेबसाइट है। इस तरह आप इसमें कोई भी सवाल पुट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक और सवाल दिखाता हूँ 3x के लिए। देखिए, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो देखिए, मैंने सॉल्व करता हूँ, मैंने वैल्यू पुट करके देखिए कंप्यूटिंग सॉल्व हो रहा है। तो ये देखिएगा, इनपुट जो मैंने वैल्यू पुट की है तो वो देखें वो है, तो ये एक्स की वैल्यू उसने निकाल कर बता दी है। तो फ्रेंड, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो आज की अच्छी बात है वो ये है कि जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी हो वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता, जिसे अल्लाह ने इस्तगफार की तौफीक दे वो मगफिरत से महरूम नहीं रह सकता, और जिसको अल्लाह शुक्र की तौफीक अता कर दे वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। खुश रहे, खुश रखें।